सदर मुमलिकत आरिफ अलवी क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं जनाब? पीपल पार्टी और पीटीआई आपस में जब फिर डालने लगी है जनाब। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लाहौर और मरियम नवाज का दौरा कराची सिंध, क्या होने जा रहा है, कौन किस पार्टी में शामिल होने जा रहा है? हवाला हुंडी, करेंसी स्मगलिंग, सट्टा माफिया की खैर नहीं है, उनके खिलाफ बड़ी वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है जनाब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज और मैं हूं मोहम्मद जुनेद सरवर। आज हम आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं जनाब ये, और दूसरा आपको बताएंगे कि पीपल पार्टी और पीटीआई आपस में जब फिर डालने लगी है जनाब। तो दूसरी बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लाहौर और मरियम नवाज का दौरा कराची सिंध, क्या होने जा रहा है, कौन किस पार्टी में शामिल होने जा रहा है? और जबकि हवाला हुंडी, करेंसी स्मगलिंग, सट्टा माफिया की खैर नहीं है, उनके खिलाफ बड़ी वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है जनाब। और एंड पे बात करेंगे बुशरा बीबी की, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी करीब है और उनकी जो ऑडियो का फ्रांसिक करवाया गया था उसमें उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब, सबसे पहले जनाब मरियम नवाज लंदन तो जा ही रही हैं, लेकिन लंदन जाने से पहले मरियम नवाज जा रही हैं भाईजान सिंध के दौरे पर। इस माह के आखिर में मतलब 22-23 तारीख से वो लंदन जाएंगी, लेकिन उससे पहले सिंध का दौरा करेंगी। मरियम नवाज सिंध में जाएंगी तो बड़ी तादाद में कुछ ऐसे रहनुमा हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो बागी हो चुके हैं, वो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जबकि उसी दौरान जो पार्टी की लीडरशिप है, पार्टी की तंजीमें नो है, नया स्ट्रक्चर है, वो भी मुतारफ करवाया जाएगा सिंध का, और सिंध के लोगों में नए ओहदे तकसीम किए जाएंगे, मतलब सदर कौन होगा सिंध का, नायब सदर कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, इस तरह से। जबकि दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब लाहौर का रुख करने लगे हैं और लाहौर में ही अपना ज़्यादातर क्याम करेंगे, पंजाब के इलाकों का दौरा करेंगे और एक नए लहर में आपको नजर आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, एक नया टच देते नजर आएंगे। जो पहले टच आप सुनते आ रहे इमरान खान देते थे ना, वो नया टच बिलावल भुट्टो जरदारी देते नजर आएंगे आपको। लाहौर आ रहे हैं, वो लाहौर में ज्यादातर क्याम होगा उनका। जबकि दूसरी बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपस में जफ्फी डालने लगी है। जफ्फी से मुराद ये कि तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी अब इमरान खान के बयानियों को अब आगे लेके चलते आपको नजर आएंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक साफ अल्फाज में कहा कि इलेक्शन करवाओ, 90 दिन में इलेक्शन करवाओ। वही बयानिया जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बयानिया है कि इलेक्शन करवाओ तभी पाकिस्तान में तरक्की की राह हमवार होगी और मईशत ठीक होगी। तो यही अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपना बयानिया बनाने जा रही है। और तोते का कहना है कि अंदर खाते से ना ये दोनों एक पेज पर आ गए हैं, पीपल पार्टी से भी मजीद इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा और तरीके साहब तो पहले चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो। तो अंदर खाते से पीटीआई और पीपल पार्टी के रहनुमाओं की आपस में मुलाकात भी हुई है और आप देखेंगे एक नया सफरनामे का आगाज होने जा रहा है कि जो पहले दुश्मन थे ना आपस में वो दोस्त बनने जा रहे हैं। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई का बयान कैश करवाने के चक्कर में है, इसी वजह से उनके साथ इलहाक मुशावरत मिलने के चक्कर में है कि एक हो जाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा, वरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें कुछ नहीं देगी, इस वजह से ये दोनों आपस में मिलने लगे। तो दूसरी जगह बात करते हैं कि सदर आरिफ अलवी एक नए सियासी बहरान का आगाज करने जा रहे हैं। आज उनकी निगरान वजीर कानून से मुलाकात हुई,
उसके अंदर भी इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत की गई, एक नया टच दिया गया सदर आरिफ अलवी को निगरान वजीर कानून की जानिब से कि आप इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं जनाब। तो ये बात उन्होंने अपने यहाँ पे बैठा ली है। तो इसी वजह से आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर देंगे आज या कल तक, ये बात कन्फर्म है कि फलां डेट को भाईजान इलेक्शन करवाए जाए पूरे मुल्क में। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी फुल तैयार बैठा है कि सदर का काम ही नहीं, सदर साहब जो मर्जी कहते रहे, हमने तो उनकी बात माननी नहीं। तो एक तरफ सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने लगे हैं कि इस दिन इलेक्शन करवाए जाएं, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा है कि आप जो भी तारीख दें, इलेक्शन हमने अपनी मर्जी से करवाने हैं, आपकी तारीख से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब बात करते हैं कि करंसी स्मगलिंग हवाला हुंडी। तो जनाब साफ वाजे ऐलान था कि किसी को भी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे मुल्क में जो हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस अफराद है ना, उनकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, उनकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और वजीरे आजम ऑफिस में जमा करवा दी गई हैं और उनके खिलाफ शिकंजा भी तेज होने लग गया। तो आपको बताते हैं कि पूरे पाकिस्तान में 722 ऐसे डीलर्स हैं जो हवाला हुंडी में मुलव्वस पाए गए हैं। सबसे ज्यादा 205 डीलर्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है जनाब, ये बात अपने पास लिख लें 200, जबकि केपीके से 183 डीलर हैं जो हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस पाए गए हैं, जिन्होंने करंसी अफगानिस्तान स्मगल की है जनाब। सिंध में 176, बलूचिस्तान में 104, आजाद कश्मीर के 37 और इस्लामाबाद के 17 डीलर हैं जो हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस पाए गए हैं और करंसी स्मगलिंग करवाने में इनका अहम किरदार है। टोटल 722 डीलर है पूरे पाकिस्तान में जो ये एक मनफी काम में मुलव्वस पाए गए हैं। इनकी लिस्टें तैयार हो गई हैं और इनकी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, माफी नहीं मिलेगी, चाहे वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, जज हो या साबिक रिटायर्ड फौजी अफसर ही क्यों ना हो, माफी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि इसी डर से जो डॉलर है वो धड़म तख्ता हो गया और डॉलर की कीमत 340 से वापस 300 से नीचे आ गया। इस वक्त जो डॉलर की कीमत है ना वो 294 रुपये मार्केट में चल रही है, आज भी डॉलर 5 रुपये सस्ता हुआ है और मजीद सस्ता होने का सिलसिला जारी है। जो चीनी की कीमत 220 तक पहुंच गई थी ना, अब वो भी वापस आ रही है, अपनी असल कीमत पर आ रही है, दिन ब दिन सस्ती हो रही है और FIA के टीमों के छापे धड़ाधड़ हैदराबाद में, सखड़ में, आज भी सखड़ में उन्होंने कार्रवाई करके 10,000 चीनी की बोरियां बरामद की हैं जो छुपाई गई थी, अफगानिस्तान से मुगल होनी थी। जनाब बड़ी तादाद में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और आप देखेंगे कि 2 माह बाद आपको एक ही नारा सुनने को मिलेगा कि पाक फौज जिंदाबाद, जो आज पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान की फौज ने बहुत से कारनामे सारे अंजाम दिए लेकिन मईशत को ठीक करने का कारनामा भी पाक फौज ने बखूबी सारे अंजाम दिया है और उनका ऐलान भी यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान फिर कुछ हो, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। जनाब अब बेड़ा उठाया तो वो बेड़ा पूरा करके दिखाएंगे, पार करके दिखाएंगे और पाकिस्तान को एक मजबूत मुस्तहकम खुशहाल पाकिस्तान बना के दिखाएंगे। तो इसलिए करप्शन नहीं चलेगी, अब सिर्फ असूलों पर फैसले होंगे, स्मगलिंग भी नहीं चलेगी। अफगानिस्तान बॉर्डर बंद है ना, बड़ी तादाद में ट्रक वहां पे मौजूद हैं जो स्मगल होने थे, तो समझ जाएं कि क्या होने जा रहा है। फिर बता रहा हूं, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। तो ये था आज का व्लॉग, इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए एमरा न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।